जब भी मैं कोई इलेक्ट्रिक साइकिल बनाता हूँ या कोई भी बैटरी वाली चीज बनाता हूँ, ज्यादा बैटरी 2850 लगती है, लैपटॉप को बैटरी ज्यादा लगती है, तो गाइस एक समस्या भाई सबसे ज्यादा वो आपको भी आ चुकी है। क्या साबित करना चाहता है तू भाई? क्या चुकी? देखो ऐसा कोई बैटरी डिस्चार्ज है भैया, कोई बैटरी खराब है, तो गाइस हमें पता ही नहीं है, तो भाई सारी बैटरी वन बाई वन हमें चेक करनी पड़ती है, और भाई जो डिस्चार्ज है उन्हें चार्ज करना पड़ता है। अरे भाई साहब इतनी सर दर्द दिए गाइस, मेरे 3-4 दिन भाई साहब बैटरी चार्ज करने में ही निकल जाते हैं, एक दो दो बैटरी करके चार्ज करो, बड़ा टाइम लगता है। अरे बस कर। तो भाई साहब आज इस वीडियो में मैं सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूंगा। बैटरी खराब है पता लग जाएगी, फुल चार्ज है पता लग जाएगी, फुल चार्ज नहीं है डिस्चार्ज है पता लग जाएगी। तो चले गाइस आज इस वीडियो में भाई हम 7-in-1 एक अलग से गाइस लिथियम आयन बैटरी चार्जर बनाने वाले हैं, जो गाइस फास्ट चार्जर होगा, आप बहुत फास्ट तरीके से किसी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हो, और गाइस बहुत सिंपल बनने वाला है, मजा बहुत आएगा। प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चले गाइस प्रोवाइड चलते हैं भैया अपने टॉय पर, समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई साहब मैं कोई भी आपको बैटरी रेंडमली उठा के दिखाता हूँ, कोई भी 2-3 बैटरी आपको उठा के दिखाऊंगा। देखो भाई साहब 3.56 बैटरी डिस्चार्ज है, और ये यहाँ पर नंगी है, देखो 4.1 में। देखो भाई साहब इसे बेकार मत समझना, ये बैटरी ठीक है, और भाई साहब वाली बैटरी देखो भाई ये बैटरी खराब है, देख रहे हो इस, देखो 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 ये रहा नेगेटिव लगा दिया इसके, देखो ये बैटरी भाई साहब खराब है, कोई भी वोल्ट ये नहीं दे रही, जब गाइस ये बैटरी बिल्कुल नई लग रही है। तो भाई साहब किसी बैटरी को आप देख के नहीं बता सकते भाई कि ये बैटरी डिस्चार्ज है खराब है या फुल रिचार्ज है, तो भाई साहब जो हम गैजेट बनाएंगे आज इस वीडियो में उसमें गाइस आप देख के बता सकते हो भाई बैटरी ठीक है खराब है, फुल रिचार्ज है डिस्चार्ज है फला ढिमाका है। चले भाई साहब फटाफट भैया सामान इकट्ठा करते हैं, भैया क्या क्या लगाने वाले हैं, तो भाई फटाफट लाते हैं भाई। वही भाई आपको देखो पता है गाइस काफी गाइस समझदार हो, यू आर चालाक ब्रो, यू वेरी चालक ब्रो, पता नहीं क्या लिखा था, कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकर आता हूँ माल पानी। तो निर्धारण ओह कोई बात नहीं यार, घूम खा लेंगे, कौन सा बता की ऐसे घूम खा के। तो भाई साहब ये रहे छोटे से 18650 के अडेप्टर, यहाँ भाई साहब आपने बैटरी होल्डर बोल सकते हो, अडेप्टर बोल सकते हो, और पता नहीं गाइस आप अपने लैंग्वेज क्या क्या बोल सकते हो, इसके अंदर गाइस बैटरी लग जाती है आपको पता है। तो भैया होल्ड करने के लिए सबसे सिंपल जुगाड़ गाइस ये बनना गाइस, मैंने काफी वीडियो में 18650 होल्डर बना दिए, उनमें गाइस काफी वक्त लगता है, तो भाई ये काफी चीप मिलते हैं, 4 बैटरी एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर लेगा लेंगे गाइस, हम इसे पैरेलल में कर लेंगे काट पीट के। तो भैया हम बनाने वाले हैं 7-in-1, कोई बना सकते हो, 6-in-1 हो गया, 7-in-1 हो गया। चला गाइस फटाफट एक चीज और ले आता हूं गाइस जिसे आप अच्छी तरह पहचान लेंगे, मजबूत है गाइस बहुत ज्यादा मजबूत है। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये है, नहीं नहीं यार नाम लेगा इस क्या फायदा, बेइज्जती माननी है भाई, वो नहीं जानता गाइस इसको। चला गाइस ज्यादा फालतू बात नहीं करते हैं, फटाफट गाइस की बॉडी बनाते हैं, बॉडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब ये बनी है बॉडी, अब काफी लोगों के समझ भाई ये कैसी बॉडी है, क्योंकि भाई साहब प्रॉब्लम बॉडी में नहीं है, डेड बॉडी है प्रॉब्लम, वो खड़ा हो जाए अचानक भूत लगता है ना। तो भाई साहब टोक पाते हैं, देखो भाई ये तो सिंगल है गाइस तो चल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग ही निकले हुए हैं, यहाँ पे गाइस दिक्कत है, देखो भाई यहाँ पे सिरे में जुड़ा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, भाई हमें इन्हें अलग अलग करना है, सारे वायर गाइस अलग निकालने हैं, अब भाई दिक्कत एक होगी जब भाई मैं इसे काटूंगा ना तो भाई ये स्प्रिंग अलग हो जाएगी, तो भाई आप प्लीज इनको ही मंगाए, मेरे पास गाइस फिलहाल ये नहीं है ठीक है, वरना गाइस आप इन्हें मंगाओगे तो काफी आसानी हो जाएगी। चलिए फटाफट वो मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी कि इन सबको अलग अलग बांट लेते हैं। A few minutes later. तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मैंने बड़े जुगाड़ लगा भाई साहब पर वायरिंग की है, देखो भाई पॉजिटिव वायर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ रहा, देखो ये जा रहा भाई साहब, ये जा रहा और भाई ये जा रहा ठीक है, यहाँ से निकला पॉजिटिव, नेगेटिव ये रहा नेगेटिव, इसके अंदर सीधा यहाँ पे देखो गाइस बाहर ही मैंने सोल्डिंग कर दिया है, क्योंकि वैसे यहाँ पर पॉइंट होते हैं इसके बाहर लगे हुए, एक तरह रिविट टाइप का गाइस ये, तो बाहर से मैंने घिसा और भाई ये पीतल का होता है, घिसकर गाइस मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया, स्प्रिंग लगाना गाइस थोड़ा सा मुश्किल हुआ, मैंने स्ट्रगल चुकाई कुछ, मैंने यहाँ पर ग्लूकोन से चिपकाई है ठीक है। तो भाई ये सारा का सारा अब पैरेलल में है, ये सबके गाइस मैंने नेगेटिव एक साथ मिला दिए हैं और सबके पॉजिटिव एक साथ मिला दिए हैं, वैसे ये रहे इसके इनपुट और भाई साहब भी तो इसके अलग ही रहेंगे। चले भाई साहब फटाफट इन्हें भी आपस में चिपकाते हैं। तो ले भाई साहब ये दोनों भी जोड़ दिए हैं, अच्छी ग्लूकोन से चिपकाए ब्लैक वाली से, और भाई पॉजिटिव में पॉजिटिव, भाई साहब नेगेटिव में भैया नेगेटिव, और भाई साहब नेगेटिव में सीधे से मिला दे नेगेटिव। तो गाइस ये सारे के सारे भाई साहब पैरेलल में हैं, ये सारे आपस में मिले हुए हैं। तो चले भाई साहब अब फटाफट भाई इसे यहाँ लगाते हैं, चिपकाते हैं और भाई इसकी फटाफट बॉडी बनाते हैं।
भैया इसकी बॉडी लगभग कंप्लीट हो गई है। तो भैया यहाँ पर काफी स्पेस है गाइस, मैं भी सो सकता हूँ, इतना का स्पेस है। हाँ मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। तो भाई साहब यहाँ से नीचे मैंने कवर कर दिया गाइस, ये तावा बुरे लग रहे थे, ठीक है। तो भैया अब आते हैं फटाफट इसके सर्किट पर, गाइस हम क्या इसमें लगाने वाले हैं जिस वजह से बैटरी फास्ट चार्ज हो प्लस सेफली रिचार्ज हो। हाँ तो भाई साहब ये रहे भैया चार्जिंग मॉड्यूल। जी हाँ गाइस, काफी सारे चार्जिंग मॉड्यूल है, इसमें टाइप सी भी है और माइक्रो यूएसबी भी है। गाइस चार टाइप सी है, बाकी भाई नहीं पांच टाइप सी है, बाकी भाई सब माइक्रो यूएसबी वाले हैं। तो भैया आप कोई सा लगा सकते हो, मैं गाइस कुछ अलग करने वाला हूँ, ठीक है। तो भैया मैं क्या करूंगा, इसमें सारे माइक्रो यूएसबी वाले लूंगा और भाई टाइप सी इनमें कनेक्ट करूंगा, वो खैर कैसे होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो गाइस 8 में लगाने वाला हूँ। या भाई एक काम करते हैं, चलिए 9 लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, भाई ये पूरे 9 है, 9 मॉड्यूल। और भाई साहब मैं तो आपसे यही कहूंगा माइक्रो यूएसबी वाले ही मॉड्यूल लेकर आए, क्योंकि भाई इसे 30-35 रुपए का सिर्फ एक मिलता है दिल्ली मार्केट से लोकल में। ऑफलाइन में गाइस काफी आजकल चीप मिलने लगे हैं, क्योंकि जो टाइप सी वाला गाइस वो थोड़ा सा कॉस्टली है। तो भाई आप माइक्रो यूएसबी का थोड़ा सा सस्ता है, टाइप सी वाले गाइस आपको लगभग 40-45 रुपए पड़ेगा ऑफलाइन, लेकिन खैर ऑनलाइन वो काफी कॉस्टली है, फर्क दे देते हैं जैसे भाई कितना स्टंट रहो। तो चलिए भाई साहब पहले फटाफट इन्हें आपस में पैरेलल में जोड़ लेते हैं। पैरेलल में क्या जोड़ना है देखते रहिए। हाँ तो भाई साहब इन छह को 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो भाई साहब इन छह को मैंने यहाँ पे देख सकते हो पैरेलल में लगा दिया है, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ मिला दिया है। मेरे पास भाई ये छह हैं, तीन गाइस खराब निकल के मैंने चेक किए थे, तो भैया मजबूरन मेरे को भाई ये छोटे वाले लगाने पड़े। अब भाई इनमें दिक्कत है, भाई इनमें होल बहुत छोटा है, तो भाई इनमें इस तरीके से जोड़ने में गाइस काफी दिक्कत होती है, तो भाई मुझे इसे अलग अलग जोड़ना पड़ा। एक बात और गाइस देखो, यहाँ पर तीन होल कर दिए, ठीक है। तो भाई ये तीनों निकलेंगे इधर से, ठीक है। तो गाइस तीनों यहाँ पे निकलेंगे, तो भाई खैर वो आपको बात बताऊंगा इस तरीके का क्या है। और भाई ये इसमें पैरेलल में जुड़ जाएंगे, ये भी इसमें गाइस पैरेलल में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे गाइस जहाँ बैटरी के तार बैटरी जुड़ जाएंगे, जहाँ पर वाले वायर है चार्जिंग के वहां गाइस चार्जिंग जुड़ जाएंगे। तो गाइस सारे के सारे आपस में जुड़ जाएंगे। चल भाई फटाफट मैं इनके कनेक्शन भी कर देता हूं। A few minutes later. तो चले भाई साहब इन्हें फिट करते हैं, लेकिन 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 भाई साहब देख भाई ये मैंने इसका ऊपर कैप बनाया है, देख भाई क्या मस्त कैप लग रहा है, मतलब डिजाइन भाई साहब अलग आ रहा है। एक बात और यहां पे गाइस आप देख पा रहे हो, ये दोनों सेम कटिंग है और ये कटिंग अलग है, क्यों है अलग, क्योंकि भाई साहब यहां पे मैं लगाने वाला हूं बैटरी लेवल इंडिकेटर। जी हां गाइस आप चौंक नहीं, मुझे पता गाइस आपने थंबनेल में देख लिया है। तो भाई साहब यहां पे ऐसा लगेगा मस्त है, जो बात अच्छा काम करेगा वो मैं आपको बात बताऊंगा। ये जो लगा है भाई साहब ये स्पेशल पर्पस से है भाई साहब, मैं यहाँ पर अलग कोई एलईडी नहीं लगाने वाला, यहाँ पर गाइस स्पेशल पर्पस से है, वो खैर गाइस बाद में देखेंगे। पहले भाई एक काम करते हैं फटाफट भाई साहब इस पर करते हैं कलर, वरना गाइस बाद में भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यकीन मानिए। तो चलिए भाई फटाफट इस पर कलर कर लेते हैं। भाई साहब सारे कनेक्शन भाई कंप्लीट हो गए हैं, नेगेटिव 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 सबको एक साथ मिला दे, पॉजिटिव बॉडी 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 सबको एक साथ मिला दे गाइस। और भाई इनके सारे सारे के सारे भाई पैरेलल में, सबके नेगेटिव एक साथ, सबके पॉजिटिव एक साथ, पॉजिटिव नेगेटिव। और भाई साहब ये मैंने अलग से सॉकेट क्यों लगाया, सी ये क्यों लगाया, देखो भाई साहब पॉजिटिव सीधा पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो भाई सारे के अंदर पावर जाएगी कैसे। अब देखो भाई अगर आपको स्लो चार्ज करना हो आप अपने मोबाइल चार्ज से यहाँ पे पावर दे दो, थोड़ा फास्ट चार्ज करना हो 2 से लगा दो, और फास्ट चार्ज करना हो 3 से लगा दो, और भी ज्यादा फास्ट करना हो भाई साहब यहाँ से लगा दो 5 वोल्ट 20 एम्पीयर 10 एम्पीयर पावर सप्लाई दो और गाइस फास्ट इन्हें चार्ज करो, क्योंकि भाई साहब इससे फास्ट चार्ज ज्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो आप अनलिमिटेड से दे सकते हो, खैर वो जितने भी लेगा उसकी मर्जी। तो भाई आई होप आपको कनेक्शन अच्छे समझ में आ गए होंगे। चले भाई साहब फटाफट भाई मैं इसे चिपका देता हूँ। तो चले गाइस फटाफट भैया इसकी टेस्टिंग करते हैं। पहले गाइस इसके बारे में आपको बता देता हूँ, देखो भाई साहब अगर आप एक बैटरी चार्ज करोगे सिर्फ एक सिंगल बैटरी एक मोबाइल चार्जर से, तो गाइस आपको पता भाई ये जो मॉड्यूल है 1 एम्पीयर से ऊपर गाइस नहीं देगा। लेकिन भाई साहब इसमें बहुत सारे मॉड्यूल लग रहे हैं, इसमें गाइस मैंने 8-9 मॉड्यूल लगा दिए भैया। तो अगर गाइस आपने एक बैटरी चार्ज किया गाइस 3 चार्जर आपने दे दिया, तो वैसे एक बैटरी 3 एम्पीयर से मोटा मोटा चार्ज होगी, तो गाइस वो फास्ट चार्ज होगी। अब भाई जैसे जैसे आप बैटरी बढ़ाते जाओगे, सपोज करो गाइस आपने यहाँ पे 6 बैटरी लगा दी, तो भाई एक बैटरी के अंदर
100 एम्पियर मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जो मॉड्यूल है वो 1 एम्पियर ही देगा। और गाइस यहाँ मैंने 9 मॉड्यूल लगाए हैं, तो गाइस 9 मॉड्यूल यानी कि 9 एम्पियर, और गाइस 6 बैटरी लगेगी, 6 में आप डिवाइड कर दो गाइस 1 में 1.5 एम्पियर आएगा एक बैटरी में, तो गाइस फास्ट चार्ज होगी। लेकिन भाई अगर आप बैटरी कम कर दोगे तो गाइस वो और फास्ट चार्ज होगी। मैंने गाइस 6 बैटरी का बना है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 3 चार्जर आप लगाओगे तो भाई साहब वो आपको 3 एम्पियर से ऊपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन भाई साहब हमने अलग जो सॉकेट लगाने वाला भाई, यहाँ पर आप एक पावर सप्लाई लगा सकते हो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर की, भाई वो आराम से यहाँ पर एक सेल को 1.5 एम्पियर दे देंगे सारों को। खैर ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, चलेगा फटाफट उसकी टेस्टिंग करते हैं कि भाई साहब कैसे ये आपको बैटरी खराब ये बता सकता है, बैटरी डिस्चार्ज ये बता सकता है, बैटरी फुल रिचार्ज है ये भी बता सकता है। कंप्लीट सॉल्यूशन है 3850 लैपटॉप बैटरी का। तो भाई साहब ये रही 7 बैटरी, और 7 बैटरी का इस मैंने क्यों लिए, देखो भाई साहब ये जो बैटरी है मैं आपको पहले लाइव टेस्ट करा देता हूँ भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखो भाई साहब ये बैटरी लगभग फुल रिचार्ज 4.2 पर होती है, मोटा मोटा का इस फुल रिचार्ज मारेंगे, तो भाई ये फुल रिचार्ज बताना चाहिए इसे। देखो भाई साहब ये फुल रिचार्ज बता रहे हैं गाइस, ये बैटरी भैया फुल रिचार्ज है, ठीक है। चलो भाई साहब आपको पता लगेगा भाई बैटरी फुल रिचार्ज है, सही करा, ठीक है। अब देखो भाई एक बैटरी मैं खराब लेता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने भाई इसमें हाँ एक बैटरी गाइस खराब है, और भाई ये बैटरी भाई बिल्कुल ख़राब है, यानी कि बिल्कुल नल्ली है, नल्ली मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो भाई ये रे देखो 0.32 यानी गाइस कोई वोल्टेज नहीं है, इसे लगाते हैं तो भाई ये इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं जलेगा, चार्ज तो बहुत दूर की बात है गाइस, इंडिकेटर जलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बोल तो चाहिए, इसे निकालते हैं। अब गाइस लेते हैं भैया थोड़ी सी वीक बैटरी, थोड़ी सी वीक बैटरी कितनी वीक, देखो भाई 3.56 यानी गाइस ये बैटरी लो है, 3.7 वोल्ट से नीचे चली गई है, इसे लगाते हैं। देखो भाई साहब ओनली एक सेल ही दिखा रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर गाइस काफ़ी ज़्यादा लाइट है तो मैं कोशिश करूँगा इस आपको दिखाई दे अच्छी तरीके से। चलिए भाई साहब दिखाई दे गया आई होप। तो भाई साहब अब हमें करना क्या है, अब भाई हमें फटाफट चार्ज करना है। तो भाई साहब ये रहे 3 मोबाइल चार्जर, और गाइस तीनों के तीनों फास्ट चार्जर हैं, 25 वाट, 18 वाट और गाइस 25 वाट, ये दोनों काले गोरे हैं गाइस, दोनों एक ही सैमसंग के हैं, मेरा कंपनी का मतलब नहीं बताने का, मतलब गाइस ये कि ये फास्ट चार्जर है, कोई आप लगा सकते हो। तो भाई मैंने 3 चार्ज लगा दिए हैं, देखो ऐसे मैं इसे लगाऊंगा, देखो भाई यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट जलती रहेगी जब तक इस बैटरी रिचार्ज होती रहेंगी, ठीक है। भाई मैं कोई सी भी एक बैटरी लगाता हूँ इसमें, देखो भाई साहब यहाँ पर रेड होगी, देख सकते हो यहाँ पर रेड एलईडी जल रही है, जब गाइस फुल चार्ज होएगी भाई ये ऑटोमेटिक ब्लू हो जाएगी। आपको फास्ट चार्ज करनी है एक बैटरी को और दो लगा दो, और भी फास्ट चार्ज करनी है भाई साहब तो 3 यहाँ पर लगा दो, 3 चार्जर, तो गाइस यहाँ पर अब एक बैटरी को आराम से 3 एम्पीयर तक मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर 3 एम्पीयर दे रहा है, क्योंकि भाई साहब 1 एम्पीयर से ऊपर ये मॉड्यूल नहीं देगा। अब गाइस यहाँ पर सारे मॉड्यूल हैं, 9 मॉड्यूल हैं, तो भाई यहाँ पर आराम से सबके एम्पीयर जुड़ जाएंगे, 3 एम्पीयर ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर इनपुट पर 3 एम्पीयर है ना, तो गाइस 3 एम्पीयर से मैक्सिमम नहीं जा सकते, ठीक है। चलो भैया ये तो हो गया इसका, अब भाई आपको सारी बैटरी इसमें कनेक्ट करनी है, ठीक है। ये बैटरी फुल चार्ज है तो इस तरीके से सारी बैटरी लगा दो इसमें बेफिक्र होकर, लो भाई सारी बैटरी भाई लग गई है। अब भाई सारी बैटरी का ये एवरेज दिखाएगा, देखो भाई सिर्फ 2 सेल है, यानी कि सारी बैटरी जो लगभग 3.6-3.5 का अप्रोक्स चार्ज है, मैंने सारी बैटरी चेक करके ही लगाई इसमें, कोई बैटरी ऐसी नहीं है जो फुल चार्ज है, ठीक है। 2 सेल भाई यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप सारी बैटरी चार्ज करनी है, 3 को लगा दो और भाई इसे आराम से रख दो, बस लेट जाएगा आराम से चार्ज होती रहेगी, सेफ्टी के साथ चार्ज होगा, जब फुल चार्ज होगा यहाँ पावर कट कर देगा ये मॉड्यूल, तो गाइस आपकी बैटरी खराब नहीं होगी कहीं जाने वाली। 16 आपको चार्ज करना है गाइस, 1 लगा लो किसी में, देखो ठीक। अब आपको गाइस फास्ट चार्ज करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ना, तो गाइस ये 20 एम्पियर 12 वोल्ट के पावर सप्लाई, लेकिन भाई साहब मैं इसे ऐसा कर दिया जिसमें जिस तरह से 5 वोल्ट तक कर देगी, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, छेड़खानी की है इसके साथ, ठीक है। देखो भाई 5.2 वोल्ट दे रहा है, तो भाई आप ऐसे यहाँ पर वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हो, देखो भाई ठीक है 14 वोल्ट तक आराम से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से पोटेंशियोमीटर लगा दिया मैंने, ऐड कर दिया है जिससे वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब भाई इसमें अलग से आप सॉकेट लगाना पड़ेगा जिसका इसमें लग जाए, तो भाई मैंने इसमें अलग से एक सॉकेट लगा दिया है आपको टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और भाई इसमें ऐसे लगा सकते हैं, देखो भाई 3 एम्पियर से ऊपर का इसी अभी ले रहा है, समझ रहे, क्योंकि इस बैटरी देखो यहाँ पे एक बैटरी लो है अभी, देखो एक बैटरी को ब्लिंक कर रही है, जैसे कहीं से चार्ज होगी तो कहीं से बैटरी भी आ जाएगी, देखो देख सकते हो ये वाला जो सेल है, ये सेल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और भाई ये 3 एम्पियर ले रही है बैटरी, और भाई अपने हिसाब से करंट लेती है, ऐसे भाई आपके हिसाब से करंट लेंगी, अपने हिसाब से ही करंट ही लेंगी, जितना कैसे ना चाहिए ये ले लेंगे पावर सप्लाई से, क्योंकि ऐसी 20 एमबी की पावर सप्लाई है। और देखो भाई साहब बोलते बोलते भाई 14 पॉइंट आ रहा है, देखो ठीक है 14 पॉइंट आ गया है, तो भाई सारी बैटरी सेफ रहेंगी, मॉड्यूल का ऑटोमेटिक पावर कट कर देगा, बैटरी फुल चार्ज होती
क्योंकि गाइस यहां पर सेफ्टी है इसमें और गाइस 5 वोल्ट से ऊपर से नहीं दे रहे हैं, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया ठीक है, अगर आपके पास गाइस ये पावर सप्लाई नहीं है तो भाई आप ये जो मैंने इसके अंदर चार्जिंग मॉड्यूल लगाए हैं गाइस, आप ज्यादा मॉड्यूल इसमें निकाल सकते हो और ज्यादा चार्जर कनेक्ट कर सकते हो गाइस, ये आप पर बात है। बेस्ट तो भाई यही है कि गाइस आप ज्यादा पावर इसे दें तो भाई आपको इतने सारे चार्जर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर गाइस सेफ्टी का मामला है तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइट चल रही है, ठीक है, ये अच्छे से यानी गाइस चार्ज हो रही है और भाई ये मैं इस पावर सप्लाई से चार्ज कर रहा हूँ। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, थैंक यू सो मच, जरूर बताएं जुगाड़ आपको कैसा लगा। बाय बाय।